गुड मॉर्निंग। आज कोई ख़ास मैच वैच नहीं है, सिवाय के जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से हार रही है, तो उस बेचारे को हारते हुए क्या देखना है। हम अपना ये कोई काम कर लेते हैं। कुछ विजडम कोट्स मैंने डायरी में अपने लिखे हुए हैं, तो आज मैं उनको ही पेश करने लगा हूँ और शुरू करता हूँ। तो पहला है कि इट इज़ डिस्करेजिंग टू थिंक हाउ मैनी पीपल आर शॉक्ड बाई ऑनेस्टी एंड हाउ फ्यू बाई डिसीट। ये आपने सुन लिया उम्मीद है, तो इसका मैं तर्जमा पेश कर देता हूँ। सद अफसोस के बहुत से लोग दगाबाजी से इतना परेशान नहीं होते जितना के ईमानदारी से। गौर कीजिए तो सचमुच अफसोस लगता है। अब ये कोटेशन लीजिए, लॉर्ड ग्रांट मी दैट आई मे ऑलवेज डिजायर मोर देन आई अकम्पलिश। ओ खुदाया मुझे अता फरमा कि मैं जो कुछ हासिल कर चुका हूँ उससे ज़्यादा करने की तमन्ना रखूँ। सीधा साधा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। एक कोटेशन वो सीधी साधी है, उसका मैंने तर्जमा भी नहीं किया, सुन लीजिए। We have no right to ask when sorrow comes, why did this happen to me? Unless we ask the same question for every joy that comes our way. यानी खुशी आती है तो हम उसको बखुशी, जब हमें कोई खुशी मिलती है, जाय मिलती है, तो उसको हम बखुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो जब सब जब सारो आती है तो कहते हैं ला ये रबा मेरे वास्ते ही लिखी हुई थी, कि ये आइडिया है कहने का। अब ये देखिए लाई के मुतालिक क्या है कोटेशन, ये है कि इट इज इजी to tell a lie, but it is hard to tell one lie. यानी आसान है झूठ बोल पाना, मगर बहुत मुश्किल है एक पर बस कर देना। आसान है झूठ बोल पाना, मगर बहुत मुश्किल है एक पर बस कर देना। नेक्स्ट कोटेशन लीजिए, आई हैव ऑलवेज हेल्ड फर्मली टू द थॉट दैट ईच वन ऑफ अस कैन डू ए लिटिल to bring some portion of misery to an end. मैं उम्मीद है ध्यान से सुन लिया होगा। मुझे यहाँ एक लतीफ़ा सुना देता हूँ कि मतलब यह है कि आप तो खैर के एक मुशायरे में किसी फौजी जनरल को बना दिया सदर, तो वो जो
समझ तो थी नहीं उसको। जब लोग ही शोर करते ना मुकर्रर मुकर्रर भाई फिर से पढ़िए कुछ शेर बहुत पसंद आ जाए, तो उसने पूछा ये क्या करते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं जी ये कह रहे हैं कि फिर से पढ़िए। तो उसने मुखातब होके कहा कि हजरात ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो शायर हैं आपके बाबा के नौकर नहीं हैं, पहली बार ही आप ध्यान से सुन लीजिए। तो मैं ये तो इतनी गुस्ताखी तो नहीं कर रहा कि आपसे कहूँ कि पहली बार ही ध्यान से सुन लीजिए, बस सिर्फ इतनी अर्ज़ है कि अगर आप पहली बार ध्यान से सुन लेंगे तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है कोटेशन, अभी जो सुनाई है उसका मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। मुद्दतों से रहा है ये मेरा अकीदा कि हर कोई काम कर सकता है दुख दर्द किसी का। इसकी मैं अंग्रेजी फिर पढ़ देता हूँ, शायद आप लतीफ़ा सुनाने में भूल ना गए हों। आई हैव ऑलवेज हेल्ड फर्मली टू द थॉट दैट ईच वन ऑफ अस कैन डू ए लिटिल टू ब्रिंग सम पोर्शन ऑफ मिजरी टू एन एंड। अब ये कोटेशन बड़ी मज़ेदार है। इट इज लैंग्वेज के मुतालिक है कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल थिंग, इट कैन बी हेल्ड टू एक्सप्रेस अवर थाट्स, टू कंसील अवर थाट्स और टू रिप्लेस थिंकिंग। जबान है कमाल की चीज, जैसे भी इस्तेमाल कर लो, अपने ख्यालात को जाहिर कर लो या छुपा लो या सोच को बदल डालो या सोच को ही बदल डालो। एक ये छोटी सी कोटेशन है प्यारी सी, द जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन। कन्फ्यूशस का है ये शेर कि भाई अगर जेम को हीरे को या हीरे जवाहरात को जब आप उसको लिशकाना है आपने पॉलिश करना है उसमें चमक लानी है तो रगड़ना तो पड़ेगा ही। गहरी बात है, इसी तरह ज़िंदगी में भी यही बात है, जेम तभी बनते हैं अगर रगड़ हो। और अब महात्मा गांधी का एक कोटेशन मैं पढ़ने लगा हूँ, ज़रा सी बड़ी है पर कोई बात नहीं आ जाएगी, हमारे पास वक्त है। आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑन ऑल साइड्स एंड माई विंडोज टू बी स्टफ्ड। आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ माई फीट बाई एनी वन। उम्मीद है आपने ये सीधे सीधे लफ्ज सुन लिए होंगे। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए। मैं पसंद नहीं करता कि मेरे घर के चार तरफ दीवारें हों और मेरी खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूँ कि हर मुल्क का तमद्दन मेरे घर आए और अच्छी तरह रसे बसे, मगर मैं किसी एक को भी अपनी तहजीब को उखाड़ने नहीं दूंगा। तो ये थी जनाब कोटेशंस, कुछ उम्मीद है पसंद फरमाई होंगी आपने।
और बस ये कहना था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, और इंतज़ार फरमाइए कि मैं क्या क्या तोहफे पेश करता हूँ नित नए, क्योंकि मेरे पास ब्याज भी बहुत हैं और मैं साथ साथ भी तैयार कर लेता हूँ। और ये जो बज रही है ये सुर बहार सितार से मिलती जुलती है, लेकिन ये ज़्यादा मीठी होती है और इसके बजाने वाले भी बहुत कम हैं। ये इमरत खां हैं जो बजा रहे हैं, और इस वक्त यमन बजा रहे हैं। यमन भी बड़ा बेसिक राग है, प्यारा राग है। मैं इसको ज़रा तेज कर दूँ। लीजिए और तेज कर दिया ताकि ख़त्म हो जाए। Okay, thank you.